यह वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टिबेटन मैस्ट्रिफ वर्सेस कंगाल डॉग वर्सेस जर्मन शेफर्ड की जो रियल फाइट हुई थी, वो भी आज से 3 महीना पहले, और वो फाइट इंडिया में ही हुई है। तो मेरा नाम है सागर, आप देख रहे डॉग्स बायोग्राफी, और ऐसी और रियल फाइट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिबेटन मैस्ट्रिफ वर्सेस कंगाल डॉग वर्सेस जर्मन शेफर्ड 21 दिसंबर 2020, हरियाणा। तो ये बात है हरियाणा के एक ब्रीडिंग फॉर्म की, जहां पर वो ब्रीडिंग फॉर्म में दूसरी जगह जो ब्रीडिंग फॉर्म था वहां पर डॉग्स को शिफ्ट कर रहे थे। उस ब्रीडिंग फॉर्म में 10 से भी ज़्यादा डॉग थे, जिसमें से जर्मन शेफर्ड, कंगाल डॉग और टिबेटन मैस्ट्रिफ भी थे। तो उसके ओनर और उसके साथ में जो वर्कर डॉग को टेम्पो में डालकर शिफ्ट कर रहे थे, फिर ओनर ने पहले कंगाल डॉग को निकाला, वहीं दूसरे वर्कर ने जर्मन शेफर्ड को निकाल के खड़ा हो गया, और अभी इस समय टिबेटन मैस्ट्रिफ पिंजरे में बंद था। तो वो ओनर और उसके साथ के वर्कर कंगाल डॉग को पकड़ रहे थे, पकड़कर वो वहाँ से ले जा रहे थे। तो टिबेटन मैस्ट्रिफ का जहाँ पिंजरा था उसके सामने से कंगाल डॉग को लेके जा रहे थे, तो कंगाल डॉग टिबेटन मैस्ट्रिफ को देखकर भौंकना स्टार्ट कर दिया। वहाँ टिबेटन मैस्ट्रिफ पिंजरे में था और वो भी बेकाबू हो गया और पिंजरा तोड़ने की कोशिश करने लगा। फिर कंगाल डॉग को संभालना मुश्किल हो गया, तो जो वर्कर जो जर्मन शेफर्ड को पकड़ा था वो उसे एक हुक में लटकाकर छोड़ दिया और ओनर की हेल्प करने चला गया। टिबेटन मैस्ट्रिफ तब तक पिंजरा तोड़ दिया था और वो बाहर आ गया। फिर कंगाल डॉग और टिबेटन मैस्ट्रिफ का फाइट स्टार्ट हो गया। कंगाल डॉग टिबेटन मैस्ट्रिफ के ऊपर चढ़ गया, वही ओनर ने चैन खींचकर कंगाल डॉग को नीचे तक कर दिया। टिबेटन मैस्ट्रिफ तब तक कंगाल डॉग को काटना स्टार्ट कर दिया। फिर ये जो डॉग लड़ते लड़ते जर्मन शेफर्ड के पास चले गए और कंगाल डॉग ने टिबेटन मैस्ट्रिफ को जर्मन शेफर्ड के पास ढकेल दिया। जर्मन शेफर्ड भी फाइट में आ गया और उसको जो हुक से उसके चैन को जो लटका रखा था वो खुल गया, और फिर जर्मन शेफर्ड भी टिबेटन मैस्ट्रिफ के पास चला गया। टिबेटन मैस्ट्रिफ ने जर्मन शेफर्ड को जगह जगह काटना स्टार्ट कर दिया। वहीं बीच में कंगाल डॉग भी आ रहा था, टिबेटन मैस्ट्रिफ को काट रहा था। फिर ओनर ने पानी के प्रेशर वाले पाइप से पानी मारना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये तीनों डॉग रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। फिर आधा घंटा पानी के प्रेशर के खाने के बाद ये तीनों डॉग शांत हो गए। फिर वर्कर और ओनर मिल के तीनों डॉग को अलग अलग कर दिया और दूर ले गए। आखिरी में ये पता चला कि टिबेटन मैस्ट्रिफ ने जर्मन शेफर्ड और कंगाल डॉग दोनों डॉग ब्रीड को ज़्यादा घायल किया था एक अकेले टिबेटन मैस्ट्रिफ ने। तो अगर आपको ये फाइट सुनने में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और उनको बताना कि ऐसा भी फाइट होता है। और अगर आपको डॉग्स की और रियल फाइट की वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब से मैं डेली फाइट की वीडियो डालते रहूँगा। तो अब जो मैं बात बोलूँगा वो मेरे सब्सक्राइबर के लिए, तो अगर आपने सब्सक्राइब मुझे नहीं किया है तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो गई है। तो जो लोग मुझे सब्सक्राइबर है, जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं 4 साल से एक ही काम कर रहा था और मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था, लेकिन मैं यहाँ पर 3 महीने का ब्रेक लिया और मैं चीज़ों को देखा और बहुत सारा कंटेंट मेरे दिमाग में है जो कि फ्यूचर में आने वाला है। तो होप सो अब से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा और आप लोगों को ऐसी एंटरटेन करते रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।